शहडोल में पुलिस की गतिविधि वर्तमान में थाना जयसे नगर में अवैध शराब की पेकारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके तारतम्य में गत दिवस वार्ड के शिवम राव एवं उनके कुछ सहयोगी को सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि जयसे नगर में संचालित अंग्रेजी शराब दुकान के कुछ कर्मचारी थाना के पीछे शराब बेचने जा रहे हैं, जिसका शिवम राव एवं उनके साथियों द्वारा शराब दुकान के कर्मचारियों को शराब की पेटी बेचते हुए रंगे हाथ पकड़कर शराब सहित शराब दुकान के कर्मचारियों को थाने के हवाले कार्यवाही बापत सौंप कर अपने घर वापस आ गए। लेकिन थाना प्रभारी जयसे नगर का अचानक से तस्करों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा एवं निर्दोष युवाओं के विरुद्ध लूटपाट सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया। थाना प्रभारी जयसे नगर इन दिनों खुलेआम तस्करी को बढ़ावा देते हुए निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। उक्त शराब पेकारी को लेकर पत्रकारों का एक दल भी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक थाना प्रभारी जयसे नगर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से थाना प्रभारी जयसे नगर का मनोबल बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा निपराध लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र में इन दिनों पदस्थ थाना प्रभारी के कृत्यों से आमजन में काफी भय व्याप्त है, लेकिन बावजूद वरिष्ठ अधिकारी आमजन की मंशा पर कार्य करते नहीं दिख रहे। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की यह रिपोर्ट।